सांसद अरुण गोविल ने सीएम योगी से मेरठ को सौर सिटी बनाने की मांग की है। सांसद ने कहा कि मेरठ में 1,00,000 घरों को पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत रोशन करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सौर सिटी बनने का मेरठ का सपना पूरा होगा, क्योंकि यहां बड़ी क्षमताएं हैं। यूपी के सोनभद्र में तकनीकी खराबी आने की वजह से ओबरा की 4 इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके बाद प्रदेश में बिजली की समस्या उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि ओबरा की इकाई बंद होने की वजह से बिजली का उत्पादन 150 मेगावाट के नीचे आ गया है, जबकि एक इकाई पहले से ही बंद पड़ी थी। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले निषाद पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निषाद पार्टी की ओर से 10 विधायकों की एक सूची जारी की गई है। इस सूची में विधायकों को उनकी सीट के बारे में बताया गया है, जहां उन्हें निषाद पार्टी की ओर से चुनावी तैयारियों में लगे रहना होगा। योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है, मुख्यमंत्री के संरक्षण में पनप रहे भूमाफियाओं के आगे मंत्री भी लाचार हैं। मायावती पर विवादित बयान देने वाले राकेश चौधरी की पत्नी ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव से तीखे सवाल पूछे हैं। विधायक राकेश चौधरी की पत्नी ने चिट्ठी लिखकर कहा कि सपा की जातिवादी मानसिकता का स्तर इतना गिर गया है कि इनको पिछड़े समाज का नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विधायक की पत्नी ने आगे लिखा कि तब महिला सम्मान कहाँ गया था, जब 1995 में एक दलित महिला मुख्यमंत्री की इज्जत पर सपा के गुंडों ने हमला किया था। यूपी में उपचुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले का मामला तूल पकड़ रहा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां से मुस्लिम और यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है। अब इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर योगी सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। सीएम योगी अपने दौरे पर अलीगढ़ के खैर पहुंचे, जहां सोमना रोड के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम स्थल पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया, साथ ही टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी किया। सीएम योगी ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास के साथ रोजगार चाहिए और इन सबके लिए सुशासन चाहिए। यूपी के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बहराइच के महसी और खैरीघाट थाना क्षेत्र के उन गांवों का भ्रमण किया, जहां पर भेड़िए के हमले में अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ है। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में भाजपा सांसद हेमा मालिनी का बयान सामने आया है। हेमा मालिनी ने कहा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्दी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नागपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। आजम खान पर आरोप था कि वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन से मतदान केंद्र रजा डिग्री पहुंचे थे, जो कि 200 मीटर दायरे के अंदर आता था, जिसको लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन एसडीएम सदर और रिटर्निंग ऑफिसर ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।